आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ जो राजधानी रायपुर से मिल रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही थी। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन होगा और महंगाई पर बने गानों की धुन पर प्रदर्शन किया जाएगा। 12 से 3 बजे तक केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन होगा और प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दिलीप साहू हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। दिलीप, आज अनोखा प्रदर्शन होने वाला है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पाई है पूरे प्रदर्शन के बारे में? जी अमनदीप, जिस तरह से मोदी सरकार के 7 साल हाल ही में पूरे हुए, इसको लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार की जो नाकामियां हैं और जिस तरह से उनके जो वादे पूरे नहीं हुए हैं और देश में जो महंगाई बढ़ी है, इसको लेकर लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। इसी कड़ी में कल महिला कांग्रेस के द्वारा भी एक पीसी लेकर प्रदेश स्तर पर मोदी सरकार के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन का भी ऐलान किया गया। और इसी कड़ी में कल प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सीडी, ऑडियो सीडी भी जारी किया था, जिसमें महंगाई डायन वाले एक गीत है, जिसको लेकर जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो भाजपा ने काफी हो हंगामा किया था। गैस के सिलेंडर के दाम जब बढ़ते थे, तो अभी जो केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, वो सहित तमाम जो केंद्रीय मंत्री और नेता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन करते थे, उसी कड़ी में उसी जो सीडी है महंगाई डायन वाली, उसको इन लोग एडिटेड किए हैं। और मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के जो वादे हैं और उन्होंने जो बातें की हैं जनता के सामने कि सरकार बनने के बाद क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला, तो इस तरह के जो तमाम बातें किए गए हैं उन सारी चीजों को व्यंगात्मक रूप से इस ऑडियो सीडी में जारी किया गया है। और इस करीब 4 मिनट का सीडी है, इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस के द्वारा एक आज कर निर्देश जारी किया गया था कि इस सीडी को पूरे प्रदेश में जिले, ब्लॉक और सेक्टर स्तर पर और गांव-गांव अलग अलग ऑटो में बांधकर लाउड स्पीकर के माध्यम से पूरी जनता तक ये सुनाई जाएगी। ये इनका धरना प्रदर्शन का ये स्वरूप है कि ऑटो के माध्यम से या दूसरे चीजों के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से गांव-गांव, गली मोहल्ले में मोदी जी और मोदी सरकार के जो वादे थे महंगाई को लेकर, जिस तरह की वो बातें करती थी, महंगाई डायन की जिस तरह के गीत गाते थे, इन सारी चीजों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे कि जिस तरह से सरकार ने महंगाई की बात कहकर केंद्र की सत्ता में आई है, लेकिन महंगाई जिस तरह से अब लगातार बढ़ते जा रही है, चाहे खाद्य तेलों की बात हो या पेट्रोल डीजल की महंगाई की बात हो, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल के दाम कम है, इसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी बहुत सारे राज्यों में 100 से पार हो गया है प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतें, और पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी छत्तीसगढ़ की बात करें तो 94.90 रुपया है पेट्रोल के दाम, वही डीजल के दाम भी 94.40 रुपया है। इस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम जो एक समय, जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थे तो पेट्रोल का दाम 2014 में 74 रुपया प्रति लीटर था, वो आज बढ़कर 94 रुपया हो गए। उसी तरह डीजल के दाम 58 रुपए प्रति लीटर था, दाम तो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। और जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ तो जो पेट्रोल और डीजल है वो 100 के पार भी बिक रहा है। इसके लिए हम मध्य प्रदेश का ही एक उदाहरण देख सकते हैं, जहाँ पेट्रोल 100 के पार पहुँच चुका है। लेकिन अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो क्या कार्यकर्ताओं के अलावा कोई बड़े चेहरे भी इसमें देखे जाएंगे? क्या कोई बड़े दिग्गज नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं? और महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आम जनता काफी ज्यादा परेशान है, तो क्या प्रदर्शन में आम जनता भी शामिल हो सकती है? आम जनता का कितना सपोर्ट मिल सकता है आज? जी अमनदीप, बताना चाहेंगे कि ये जो प्रदर्शन है ये सांकेतिक रूप स्तर का प्रदर्शन है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कांग्रेस सीधे तौर पे इनके जो बड़े नेता है वो सड़क पर नहीं उतरेंगे, इसलिए इसको चैनलाइज किया हुआ है कि अलग अलग जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, सेक्टर स्तर पर और कांग्रेस की जितनी बूथ कमेटियां हैं उस स्तर पर ले जाकर गांव, गली मोहल्ले पर सभी स्तर पर इस तरह के ऑडियो चलाए जाएंगे। और इनका मूल उद्देश्य है कि जो मोदी सरकार के जो वादे हैं महंगाई को लेकर, जिस तरह से उन लोग वादे करते रहे हैं और जिस तरह की बातें करते रहे, ये जनता तक जानी चाहिए। और उनकी सरकार आने के बाद, क्योंकि वो सत्ता में है, जिन लोग सड़कों पर आकर आंदोलन करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे,
राज्य की बात करो तो एक समय था जब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल भी सड़क पर साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन किए थे पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर और दूसरे अनाज दालों और तेल में जो महंगाई हुई थी उसको लेकर। लेकिन आज स्थितियां ऐसी है कि हर चीज के दाम काफी बढ़ा हुआ है, 30 से 40% इजाफा हुआ है। खाद्य तेलों के दामों की बात करें या दूसरे अनाज या दालों की बात करें तो उसकी दाम में भी काफी बढ़ोतरी हुई है पिछले एक साल के दौरान ही। लेकिन इसको लेकर किसी तरह से कोई केंद्र सरकार की ओर से कोई राहत नहीं दी जा रही है। हालांकि भाजपा की ओर से जो बयान आ रहा है इसमें यह कहा जा रहा है कि बहुत सारी महंगाई की वजह कोरोना काल की वजह है या सरकार के दूसरे जो चीजें हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थितियां निर्मित हुई है इस वजह से ये महंगाई के दामों में बढ़ोतरी हुई है, महंगाई में बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल दिलीप, सही कहा आपने कि कोरोना का हवाला तो दिया जा रहा है लेकिन सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जनता की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने पर तुली हुई है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका दिलीप।